मैं प्रिया आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु में रोड शो पूरा हो गया है। पीएम ने रविवार को 8 किलोमीटर का रोड शो निकाला। इससे पहले शनिवार को पीएम ने बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। अब मोदी शिवमोगा ग्रामीण और बेंगलुरु सेंट्रल में चुनावी रैली करेंगे। दिन के अंत में पीएम 7 बजे नंजनगढ़ के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा दर्शन करेंगे और चुनाव प्रचार का समापन करेंगे। पीएम ने शनिवार को बादामी में जनसभा की थी, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार को कांग्रेस की पुरानी आदत बताया और कहा कि बीजेपी इनकी इसी बीमारी का परमानेंट इलाज करने आई है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने जनता का समर्थन मांगते हुए कहा, कर्नाटक का ये चुनाव हमारे कैंडिडेट नहीं बल्कि बीजेपी के लिए कर्नाटक की जनता लड़ रही है। इनके पास पता नहीं कौन सा पंजा है जो 1 रुपए से 85 पैसे खा जाता है। कांग्रेस ने इन्हीं कुकर्मों के कारण हमारे देश में इतने दशकों तक पिछड़ा बना रहा है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।